उत्तराखंड में ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 को सफल बनाने के लिए उत्तरकाशी के पुलिस कप्तान अर्पण यदुवंश लगातार सक्रिय हैं। बता दें कि उत्तरकाशी में नशे के खिलाफ पुलिस की जंग मुहिम उद्यन के अंतर्गत पुलिस द्वारा नशे के सौदागरों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस उपाधीक्षक अनुज कुमार के निकट पुरोला में पुलिस द्वारा नशा तस्करों पर लगातार दूसरी कार्रवाई की गई है। थानाध्यक्ष पुरोला और एसओजी प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस की टीम द्वारा सटीक जानकारी देते हुए कहा कि 24 दिसंबर को नौगांव रोड हुटोली के पास से भजन सिंह नामक व्यक्ति को 914 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी के कब्जे से 914 ग्राम अवैध चरस की बरामदगी के आधार पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। देवभूमि बाई 2025 जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों को वो दिया गया, प्रण दिया गया है कि ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाएंगे 2025 तक। उसी क्रम में जो उत्तरकाशी पुलिस का अभियान है उद्यान, उसी के क्रम में हमारे द्वारा जो है कल एक कार्रवाई की गई, 914 ग्राम इसमें चरस जो है बरामद की गई एक व्यक्ति के पास से, और परसों भी इसी 1 किलो 2 ग्राम एक व्यक्ति के पास से चरस की बरामदगी की गई थी। अभी जैसे नए साल भी आने वाला है तो उसी क्रम में हमने जो है अपनी कार्रवाई को तेजी लाने के लिए चेकिंग टीम्स बना दी गई है और उसी क्रम में हमें सफलता भी मिल गई है। सर, पगड़ी की चरस की लगभग कितनी कीमत है? इसकी करीब 1.5 लाख के आसपास कीमत है।